इलियास शरफुद्दीन ने अपना एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कश्मीरी पंडितों पर मोदी हुकूमत के जुल्म को बयान किया और कहा कि मुसलमान कश्मीरी पंडितों की मदद कर रहे हैं, जबकि अनुपम खेर विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर फाइल्स बना के करोड़ों रुपए कमाए और अब ये गायब हो गए हैं। देखिए इलियास शरफुद्दीन का मजीद क्या कहना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। कश्मीरी पंडितों के ऊपर पिक्चर बना के करोड़ों कमा लिए बाज आरएसएस के आतंकवादी हरामी, और कश्मीरी पंडितों का नाम लेके लाखों करोड़ों वोट भी ले लिए बाज बीजेपी के एक्सट्रीमिस्ट फैनेटिक टेररिस्ट टाइप के लोग, और आज कश्मीरी पंडित को मार डाला गया लेकिन कोई आवाज नहीं उठ रही है। लेकिन ये कब तक रोकेंगे हमें? कभी नहीं रोक पाओगे आप, कभी नहीं रोक पाओगे। उनके साथ ही आकर कश्मीरी पंडित एजिटेशन कर रहे तो उनको मारा गया, टियर गैस से लाई गई, उन पर अटैक किया गया। आर्टिकल 370 हटाने के बाद अब कुछ नहीं होगा बोले थे, क्या हो रहा? सबसे ज्यादा जवान मोदी के अंडर में मारे गए, सबसे ज्यादा किसान मोदी के अंडर में मारे गए, सबसे ज्यादा कश्मीरी मोदी के अंडर में मारे गए, सबसे ज्यादा मुसलमान दलित एससी एसटी मोदी के अंडर में मारे गए। बर्बादी वाली पनौती सरकार है बीजेपी आरएसएस की। कश्मीरी पंडितों का खाली इस्तेमाल हुआ, उनकी मदद नहीं की गई। वक्त है जागो हिंदुस्तानियों, हिंदुओं जागो, हिंदुत्व आतंकवादियों से अपने भारत को बचा लो। आओ एक मालिक अल्लाह की तरफ, उसी की इबादत आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की तरफ। दुनिया में शांति उन्नति, आखिरत में शांति उन्नति। लिंगम जानवर पत्थर मूर्ति इंसान दरगाह तागे तावीजा गंडे पलीतों की पूजा से जहन्नुम, अल्लाह की ही इबादत से कामयाबी। आओ रब की इबादत। अल्लाह भारत को दुनिया को अमन सलामती अता करे, खैर और आफियत अता करे, तमाम मासूमों की जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत करे, और जालिमों को अल्लाह हटाए या हिदायत दे। अस्सलामु अलैकुम।